हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जे सर ट्यूटर्स। सो लेक्चर के लास्ट पार्ट में ही हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई हुआ है, दैट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है? गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। मेल्स के केस में जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो कौन से है? टेस्टीज है। फीमेल्स के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब यहाँ पर पेयर क्यों कहा है? क्योंकि ओवरीज जो है वो टू इन नंबर प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पर अ पेयर ऑफ ओवरीज कहा है। अब ये जो ओवरीज है वो क्या करेंगी? फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगी और साथ ही में कुछ फेमिनाइन हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या हो गया? गैमेट को प्रोड्यूस करना एंड कुछ फेमिनाइन हॉर्मोन को। एंड देन उसके बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। बट इन केस ऑफ फीमेल्स ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये क्या करेंगे? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं या फिर उसे कंसीव करने में हेल्प करते हैं। फीमेल्स के केस में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करेंगे? या तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं या फिर कंसीव करने में हेल्प करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आ जाएगा हमारे पास में? पेयर ऑफ ओविडक्ट। अब ओविडक्ट भी टू इन नंबर प्रेजेंट होते हैं इसलिए यहाँ पर अ पेयर ऑफ ओविडक्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो फिगर दिया हुआ है ये किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये जो ओवल शेप ऑर्गन दिख रहा है या फिर एलिमेंट शेप ऑर्गन दिख रहा है इसे क्या कहा है हमने? ओवरी कहा है। ओवरी क्या है? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा और कुछ फेमिनाइन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है? फेलोपियन ट्यूब कहा है। फेलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट होता है, ठीक है। थ्रू विच द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फीमेल गैमेट डेट इज द एग और द ओवम अकर्स। देन उसके बाद में यहाँ पर सेंटर में देखो ये एक डोम शेप ऑर्गन दिख रहा है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, उसे हमने क्या कहा है? यूटेरस कहा है। यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है और ये कैसा है? ये एक डोम शेप ऑर्गन है। नेक्स्ट वी हैव वजाइना। वजाइना क्या है? ये एक ओपनिंग है थ्रू विच द स्पर्म्स एंटर्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वजाइना ये एक ऐसा ओपनिंग है जहाँ से जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा। दी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वजाइना, वजाइना का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे हमने क्या कहा है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर वल्वा। जितना भी पार्ट बाहर का होता है वजाइना का, जितना भी पार्ट बाहर का होता है फीमेल्स के केस में उसे हमने क्या कहा है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा। नेक्स्ट वी हैव अ पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अब मेल्स के केस में भी कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स थे जो कि उनका सिक्रीशन सिक्रीट करते थे, सो सेम गोज फॉर फीमेल ऑल्सो। फीमेल्स में भी कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो कि क्या करेंगे? उनका सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन दैट इज इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के टाइम पर क्या होता है कि ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है वो उनका सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। सो मेमरी ग्लैंड्स जनरली क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। जब भी कोई भी चाइल्ड डेवलपिंग स्टेज में होगा तो उस चाइल्ड को नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? ये मेमरी ग्लैंड्स ही करते हैं, ठीक है। सो फीमेल्स के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाएगा? अ पेयर ऑफ ओवरीज जो कि फीमेल गैमेट दैट इज ओवम एंड कुछ फेमिनाइन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करेंगे। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाएगा हमारे पास में? अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द वजाइना विच इज नोन एज वल्वा, अ पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे या फिर कंसीव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसकी लेबलिंग आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है, तो सेम एज इट इज़ ऐसी ही लेबलिंग कर लेना अपने टेक्स्ट बुक में। और एग्ज़ाम में भी ये आपसे लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना। नाउ स्टार्टिंग विद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज़ द ओवरीज, ठीक है। सो अगर हम किसकी बात करेंगे? ओवरीज की बात करेंगे। तो ओवरी अभी अभी मैंने बताया था वो क्या करेगा? फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा एंड कुछ फेमिनाइन हार्मोन डैट इज़ फीमेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ओवरी, ओवरी से ओवी, ओवा से याद रख लेना कि वो ओवल शेप के होंगे या फिर आलमंड शेप के होंगे। तो ओवरी कैसे होगा? सॉलिड है, ओवल है या फिर आलमंड शेप ऑर्गन्स है। उनकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर।
विड काइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर थिक होते हैं. सो ओवरी दे आर 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक. अब ओवरीज, ओवरीज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इट इज़ लोकेटेड इन अपर लेटरल पार्ट ऑफ पेल्विस नियर दी किडनी. पेल्विस वाला जो पार्ट है वो हमारा एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है वो होता है. तो अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस किडनी के पास में ही प्रेजेंट होते हैं, किडनी के थोड़ा नीचे प्रेजेंट होते हैं ओवरीज, अपर लेटरल पार्ट में. ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम ओवरीज के कनेक्शन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो ये ओवल शेप ऑर्गन दिख रहा है ये क्या हो गई है, हमारी ओवरी हो गई है. तो ओवरी जो है वो यूटेरस के साथ में कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट. ओवरी और यूटेरस, ओवरी यूटेरस के साथ में कनेक्टेड होता है ओवेरियन लिगामेंट्स की हेल्प से. देन उसके बाद में ये जो ओवरीज है वो फिर पीछे साइड से बॉडी वॉल के साथ में भी कनेक्टेड होंगी. तो वो बॉडी वॉल के साथ में कनेक्टेड होती है किसके हेल्प से, मीजो ओवेरियन की हेल्प से. ये जो लिगामेंट्स दिख रहे हैं ये किसके हैं, मीजो ओवेरियन के लिगामेंट्स है. मीजो ओवेरियन की हेल्प से जो ओवरीज है वो बॉडी वॉल के साथ में कनेक्टेड होती है. उसके बाद में ये जो ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है एंड यूटेरस है, मतलब कि ये जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी फर्दर जो बॉडी वॉल के साथ में अटैच्ड होता है, जिसके हेल्प से बॉडी वॉल के साथ में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अटैच होता है उसे हमने क्या कहा है, पेरिस्टोमियम कहा है. PERISTONIUM, पेरिस्टोनियम. ठीक है, नेक्स्ट, दी ओवरीज आर कनेक्टेड टू द बॉडी वॉल बाय मीजो ओवेरियम. अब ये जो ओवरीज है वो बॉडी वॉल के साथ में कनेक्टेड है मीजो ओवेरियन के हेल्प से एंड टू द यूटेरस बाय ओवेरियन लिगामेंट. ओवरीज और यूटेरस एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है ओवेरियन लिगामेंट्स की हेल्प से. अब ये जो ओवरीज है, अभी मैंने बताया था कि ये कुछ फेमिनाइन हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं. तो ये कौन कौन से फेमिनाइन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, लाइक इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन. इनहिबिन ये ऐसे कुछ हार्मोन्स है जो कि ओवरीज है वो प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये हार्मोन्स जो है इनका भी फंक्शन क्या होगा, या तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, या फिर कंसीव करने में हेल्प करते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये जो हार्मोन्स है वो हेल्प करते हैं, लाइक पार्चुरेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. कहा मतलब पार्चुरेशन का ही मतलब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो डिलीवरी के लिए भी ये जो हार्मोन्स है वो हेल्प करते हैं, या फिर जो लैक्टेशन होता है डैट इज़ मिल्क प्रोडक्शन उसमें भी ये जो हार्मोन्स है वो हेल्प करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हमने अभी एक ओवरी का ओवरव्यू देख लिया है कि कैसे कैसे होती है. यहाँ पर अभी हम जो फीमेल गैमेट है डैट इज़ द एग और द ओवम, उसका प्रोडक्शन कैसा होता है वो देखेंगे एंड द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी देखेंगे कि ओवरी का भी स्ट्रक्चर कैसा है एंड वो कैसे डेवलप हो रहा है. नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी. अब ये देखो ये किसका हो गया, हमारा टी एस ऑफ ओवरी है. ओवरी जो है वो इंटरनली डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक आउटर पार्ट आ जाएगा और एक इनर पार्ट आ जाएगा. तो आउटर पार्ट को हमेशा हम कॉर्टेक्स कहते हैं एंड इनर पार्ट जो बीच वाला पार्ट है या फिर जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसे हमने क्या कहा है, मेड्यूला कहा है. अब अगर हम किसकी बात करेंगे, कॉर्टेक्स की बात करेंगे, तो कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है, रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है. ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है ओवेरियन फॉलिकल्स का. कॉर्टेक्स जो है वो किसका बना हुआ है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना है, जहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स हो रहा है. ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, मेडुला है. मेडुला को ही हम लोग ने इनर या फिर सेंट्रल पार्ट कहा है, जो कि किसका बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है. ठीक है, मेडुला वाला डेट इज़ जो सेंट्रल पार्ट है वो किसका बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना है, जहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे या फिर लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगे या फिर नर्व फाइबर्स होंगे जो कि रन करेंगे. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ओवरीज जो है वो इंटरनली डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक कॉर्टेक्स है और दूसरा मेडुला है. कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है आउटर पार्ट है, जो कि किसका बना हुआ है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जहाँ पर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है. एंड बीच वाला जो पार्ट है डैट इज़ द सेंट्रल पार्ट और द इनर पार्ट, जिसे हमने क्या कहा है, मेड्यूला कहा है, वो किसका बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स या फिर नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो रन करते हैं. ठीक है, तो देखो
यहाँ पर अभी हम जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी या फिर टीएस ऑफ ओवरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि ओवरी जो है वो इंटरनली डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अब यहाँ पर देखो, ये जितना भी फॉलिकल्स वाला पार्ट दिख रहा है बाहर का, उसे हमने क्या कहा है, कॉर्टेक्स है। एंड बीच में ये जो रेड एंड ब्लू कलर के वेन्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ओवेरियन आर्टरी एंड ओवेरियन वेन हो गई, डैट इज़ द ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फ वेसल्स हो गए और नर्व फाइबर्स हो गए, जो कि ये मेडुला वाले रीजन में रन करते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नली कवर्ड होता है बाय अ लेयर ऑफ जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। कॉर्टेक्स के आउटर लेयर में जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। अब कॉर्टेक्स में ही क्या आ जाएंगे, एक लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। ये मतलब कि जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स है उससे वही क्या करेंगे, वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। फर्दर वो फिर क्या फॉर्म करेंगे, एक लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स, जिसे कलेक्टिवली हमने क्या कहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स कहा है। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, इनका भी डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स आ रहे हैं, ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स के जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो ही इकट्ठा होके क्या बना रहे हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स बना रहे हैं। अब ये जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक। जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स में जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, फ्रॉम द डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक वो ओरिजिनेट हुए हैं। फिर जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो फिर फर्दर डिवाइड होके कुछ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे। फिर ये जो टाइनी मासेस ऑफ सेल्स है कलेक्टिवली, उन्हें हमने क्या कहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स कहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे एंड माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। फर्दर फिर उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, ओगोनिया कहेंगे। ठीक है, उन सेल्स को हमने ओगोनिया कहा है। अब ये जो ओगोनिया है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं विथ इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये देखो, ये एक ओगोनिया हो गया, ये एक दूसरा ओगोनिया हो गया। अब ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है कॉर्ड्स के हेल्प से, जिसे हमने क्या कहा है, एक ट्यूब्स ऑफ है फ्लूगर कहा है। अब ये एक ओगोनिया हो गया, ये एक दूसरा ओगोनिया हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड, जिसे हमने क्या कहा है, एक ट्यूब ऑफ फ्लूगर कहा है। एंड अब ये जो कॉर्ड होते हैं उनके एंड पर एक राउंड मास ऑफ ओगोनियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग कलेक्टिवली क्या कहेंगे, राउंड एग्नेस्ट कहेंगे, जिससे कि फर्दर प्राइमोर्डियल फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड, ये देखो, ये एक ओगोनिया हो गया, ये एक दूसरा ओगोनिया हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड, जिसे हमने क्या कहा है, एक ट्यूब ऑफ फ्लूगर कहा है। देन उसके बाद में ये जो कॉर्ड्स होते हैं इनके एंड पर एक राउंड मास ऑफ ओगोनियल सेल्स प्रेजेंट होगा, जो कि क्या फॉर्म करेगा, एग नेस्ट फॉर्म करेगा। ये देखो, यहाँ पर ये एग नेस्ट लिखा है, ये एक राउंड मास ऑफ सेल्स फॉर्म कर रहा है, जिसे हमने क्या कहा है, एग्नेस्ट कहा है। एग्नेस्ट से फिर फर्दर किसका डेवलपमेंट होगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो ओगोनिया फॉर्म हुआ है, ओगोनिया फॉर्मेशन जो है वो फीमेल में बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब बेबी मदर के वॉम में होता है तभी ओगोनिया का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, बट वो कुछ समय के लिए अरेस्ट हो जाता है जब वो मियोसिस वन के स्टेज पर रीच करता है। मतलब ओगोनिया जो है वो सबसे पहली बात तो माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं एंड देन वो प्राइमरी ओसाइट फॉर्म करेंगे। देन प्राइमरी ओसाइट जो है वो जब मियोसिस वन का स्टेज शो करते हैं तब मियोसिस वन के स्टेज में ही अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने का मतलब क्या है, उसके बाद फर्दर वो डिवाइड नहीं करते हैं जब तक के फीमेल बॉडी जो है वो प्यूबर्टी तक के रीच नहीं कर जाती है। जब प्यूबर्टी तक के रीच होंगी फीमेल बॉडी, प्यूबर्टी के बाद में, मतलब फिर ये जो प्राइमरी ओसाइट्स है, प्राइमरी ओसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो मास ऑफ सेल्स था, यहाँ पर राउंड मास ऑफ ओगोनियल सेल्स था, उसने एग्नेस्ट फॉर्म किया, एग्नेस्ट से प्राइमोर्डियल फॉलिकल आया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो है उनका फिर यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ ओगोनिया का, फिर उसने क्या बनाया, प्राइमरी ओसाइट बनाया। प्राइमरी ओसाइट कहाँ पर प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है।
ठीक है, अब ये प्राइमरी ओसाइट जो है वो मियोसिस वन के स्टेज में अरेस्ट कर जाता है जब तक कि प्यूबर्टी रीच नहीं होंगी। फिर प्यूबर्टी रीच हो, जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएंगी वो बेबी चाइल्ड के इसमें, मतलब जो बेबी चाइल्ड है वो जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज पर रीच करती है, उसके बाद में ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो फर्स्ट मियोटिक डिविजन शो करके सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पर एक और लेयर आ जाएंगी फॉलिकुलर सेल्स की। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर में अगर एक और लेयर आ गई फॉलिकुलर सेल्स की तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल में हो गया। देन उसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंड्रम। टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे एंड्रम कहा है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टर्शरी फॉलिकल का। फिर ये जो टर्शरी फॉलिकल है वो फिर फर्दर किस में डेवलप हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब मतलब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता था कि ये जो टर्शरी फॉलिकल है वो किस में डेवलप्ड हो जा रहा है, टर्शरी फॉलिकल भी नहीं कहेंगे हम, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो किस में मैच्योर कर जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर कर जाता है। एंड देन उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो ओसाइट है वो रिलीज़ हो जाता है। तो अब यहाँ से अगर ग्राफियन फॉलिकल से ओसाइट रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक येलो मास ऑफ सेल्स बचेगा। तो अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन अराइज हो गई तो कॉर्पस लूटियम जो है, कॉर्पस लूटियम फॉर्म होगा जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। एंड अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन अराइज नहीं हुई तो ग्राफियन फॉलिकल के बाद में क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकिन्स बनेगा जो कि क्या है, ये एक वाइट मास ऑफ सेल्स है। ठीक है, अगर ग्राफियन फॉलिकल आया देन उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी की ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर फॉर्म हो गया, उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ से ओसाइट भी रिलीज़ हो गया, तो ओसाइट के रिलीज़ होने के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई तो यहाँ पर कॉर्पस लूटियम फॉर्म होगा। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो कॉर्पस एल्बिकिन्स फॉर्म होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमने अभी क्या देखा है, टीएस ऑफ ओवरी देखा है। टीएस ऑफ ओवरी में हमने क्या देखा है कि ओवरी जो है वो इंटरनली डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक आउटर कॉर्टेक्स है और दूसरा इनर, बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट है वो मेडुला है। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है एंड कॉर्टेक्स जो है वो एक्सटर्नली लाइंड है बाय अ लेयर ऑफ जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। मतलब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की सेल्स दिख रही है वो किसकी है, जर्माइनल एपिथेलियम की सेल्स है। अब ये जो सेल्स है ये फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होकर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे जिसे हमने क्या कहा है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स कहा है। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं गोनेडल रीच के थ्रू फर्दर उगोनिया फॉर्म करने के लिए। एंड उसके बाद में ये जो उगोनिया फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, उगोनिया है। अब ये जो उगोनिया है ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड, जिसे हमने क्या कहा है, एक ट्यूब ऑफ फ्लूगर कहा है। एंड उसके बाद में ये जो कॉर्ड्स होते हैं उनके एंड पर एक राउंड मास ऑफ उगोनियल सेल्स प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा है, एगनेस्ट। एगनेस्ट जो है वो फर्दर किस में डेवलप हो रहा है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल ये हो गया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल फर्दर डेवलप्ड होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। जो प्राइमरी ओसाइट है उसका जब फर्स्ट मियोटिक डिविजन हो रहा है तब वो सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म करेगा। एंड सेकेंडरी ओसाइट कहाँ पर प्रेजेंट है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी फॉलिकल में एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है फॉलिकुलर सेल्स की। यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन लेयर ऑफ सेल्स दिख रही है एक एक्स्ट्रा की, ये क्या इंडिकेट करेंगे कि ये कौन सा फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है। एंड देन उसके बाद में टर्शरी फॉलिकल की बात करेंगे, टर्शरी फॉलिकल फिर फॉर्म हो जाता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज एंड्रम। फिर टर्शरी फॉलिकल फर्दर डेवलप हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल को ही हम लोग मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। इससे फर्दर फिर ओसाइट रिलीज आउट हो जाता है। तो ये जो ओसाइट रिलीज आउट हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होंगी तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा जिससे कि प्रेगनेंसी में हेल्प हो जाएंगी। एंड अगर ये जो ओसाइट है अगर वो फर्टिलाइज नहीं है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक वाइट मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हमने क्या कहा है, कॉर्पस एल्बिकिन्स का है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी सिर्फ मैंने डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया, अभी एक बार हम थ्योरी के थ्रू भी रीड आउट कर लेते हैं। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो है इट इज़ एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। कॉर्टेक्स के आउटर साइड में ये देखो ये कौन सी लेयर ऑफ सेल्स दिख रही है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स दिख रही है। देन अगर हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसे हमने क्या कहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स का।
अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स जिन्हें हमने कहा है वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, कलेक्टिवली फॉर्म्ड फ्रॉम जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स विच इज डेवलप फ्रॉम डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ योक सैक। तो ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स से हुआ है। और ये जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स हैं इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ये फ्रॉम डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ योक सैक। डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ योक सैक से जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स बने हैं और ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स कॉर्टेक्स वाले रीजन में लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हमने क्या कहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स कहा है। और ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं गोनेडल रीच के थ्रू, जिसे फर्दर हम क्या कहेंगे, उगोनिया कहेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ उगोनिया प्रोजेक्टिंग इनटू द कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड कॉल्ड द एग ट्यूब ऑफ फ्लूगर। अब जैसे उगोनिया के कुछ ग्रुप है जो कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर जाते हैं कॉर्ड्स के फॉर्म में, तब उसे हमने क्या कहा है, एग ट्यूब ऑफ फ्लूगर कहा है। एंड देन ईच कॉर्ड एट इट्स एंड हैज़ अ राउंड मास ऑफ उगोनियल सेल्स कॉल्ड द एग नेस्ट। अब ये जो कॉर्ड्स होते हैं उनके एंड पर कुछ ऐसे राउंड मास ऑफ उगोनियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसे हमने क्या कहा है, एग नेस्ट कहा है, जो कि फर्दर क्या फॉर्म करेंगे, प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स फॉर्म करते हैं। फिर प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी टर्शरी, देन मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल, फिर ओसाइट रिलीज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होंगी तो ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होंगी तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस एल्बिगन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उगोनिया फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी बिफोर बर्थ। ये भी लाइन मैंने बताया है कि जितने भी उगोनिया फॉर्म हो रहे हैं फीमेल बॉडी में वो बिफोर बर्थ ही फॉर्म होते हैं, आफ्टर बर्थ नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड इन द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में जो उगोनिया फॉर्म हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थ के पहले ही होते हैं, मतलब जब बेबी मदर के वोम में होता है सिर्फ उतने टाइम तक के ही उगोनिया फॉर्मेशन होती है। बेबी का जब बर्थ हो जाता है उसके बाद में एक भी उगोनिया फॉर्म नहीं होते हैं फीमेल बॉडी में, तब सिर्फ उगोनिया जो है वो डेवलप करता है आफ्टर बर्थ। जैसे उगोनिया है वो 2N है, वो पहले माइटोटिकली डिवाइड करेगा, प्राइमरी ओसाइट फॉर्म करेगा, प्राइमरी ओसाइट फॉर्म करेगा, उसकी भी प्लॉयडी कितनी है, 2N है। फिर प्राइमरी ओसाइट जो है उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, बट ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है ना वो भी अरेस्ट हो जाता है, मतलब कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो रुक जाता है। कब तक के, जब तक के वो बेबी है वो प्यूबर्टी वाले स्टेज में नहीं पहुंचती है, मतलब कि प्यूबर्टी वाले स्टेज कब तक के रीच करेंगी वो बेबी गर्ल, जब वो 12 टू 14 इयर्स की होंगी तब वो रीच करेंगी। तब तक के जो फीमेल है उनमें सिर्फ प्राइमरी ओसाइट्स ही फॉर्म होंगे जो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के स्टेज में होंगे। एंड देन जैसे ही वो प्यूबर्टी रीच कर जाते हैं तो फिर ये जो प्राइमरी ओसाइट है प्यूबर्टी स्टेज रीच करने के बाद में वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अगर हम किसकी बात करेंगे, बिफोर बर्थ की बात करेंगे, तो बर्थ, बेबी का बर्थ होने के पहले हमारे पास में 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं फीमेल बॉडी में, 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं बिफोर बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल, बट बर्थ के टाइम पर वो कितने रिड्यूस हो जाते हैं, 1 मिलियन, एंड प्यूबर्टी तक के आने तक के वो कितने हो जाते हैं, 40,000 हो जाते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ग्रेजुअल डिक्रीज दिख रहा है प्राइमरी ओसाइट का। सो ये जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल का कोई भी एक गर्ल चाइल्ड के ग्रोथ के टाइम, तो उससे हम क्या कहते हैं, एट्रिसिया कहते हैं। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ अ बेबी गर्ल इज नोन एज एट्रिसिया। ये भी आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है कि व्हाट इज एट्रिसिया, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो टीएस ऑफ ओवरी वाला फिगर है ये भी आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, एंड यहाँ पर ये 5 मार्क्स का एक ऐसा शॉर्ट नोट भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल इनटू मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल रिस्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मतलब जैसे ही वो बेबी गर्ल है वो प्यूबर्टी वाले स्टेज रीच आउट कर जाती है, तब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं इनटू मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। एंड प्यूबर्टी वाले स्टेज में मतलब कि 12 टू 14 इयर्स के बाद में ही जनरली गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। तो तब क्या, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद में हर एक ओवरी जो है वो अल्टरनेटली एक एक ग्राफियन फॉलिकल को प्रोड्यूस करती है। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग टू फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में ग्रो करते जाता है। इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टरनेटली वन ऑफ द टू ओवरी प्रोड्यूस द ग्राफियन फॉलिकल।
कोई भी दोनों में से कोई भी एक ओवरी, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, तो दोनों में से कोई भी एक ओवरी जो है वो अल्टरनेटली जो ग्राफियन फॉलिकल है उसे प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। अब अगर हम किसकी बात करेंगे, कुछ टर्म्स है यहाँ पर जो हमें देखना है कि मेनार क्या होता है, दैट इज़ द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फीमेल्स के केस में जब गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं या फिर जो एज होती है पीरियड्स आने की वो जनरली कितनी होती है, 12 to 14 years, बट आप सबकी टेक्स्ट बुक में कितना दिया हुआ है, 13 years, तो ये भी चलता है। तो मेनार मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ गर्ल्स में जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसे हमने क्या कहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा है। एंड मेनोपॉज, पॉज, पॉज का मतलब रुकना, रुक जाना, तो मेनोपॉज का मतलब क्या हो गया, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जब पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं फीमेल्स में। तो वो कौन सी एज में होता है, जब फीमेल्स 45 to 55 years की एज में होती है तब धीरे धीरे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल्स में स्टॉप होने लगता है। एंड स्टार्ट कौन से ईयर में होता है, 13 years में होता है, ठीक है। 13 मतलब कि जब फीमेल्स जो है वो 12 टू 14 इयर्स के बीच में होती है जनरली, तभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उनमें स्टार्ट हो जाता है। एंड वो जो स्टार्ट होने की प्रोसेस रहती है उसे हम क्या कहेंगे, मेनार कहेंगे। एंड स्टॉप होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, मेनोपॉज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड इन बिटवीन द मेनार एंड द मेनोपॉज, मतलब कि पीरियड के बीच में का जो फेज होता है जब से हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है एंड जब ख़त्म होंगी उसके बीच का जितना भी पीरियड होता है उसे हमने क्या कहा है, रिप्रोडक्टिव एज कहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितने ईयर्स का होता है, 32 years का होता है। इन दिस इन द टाइम द फीमेल विल बी प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 416 eggs। अब ये 416 eggs कहाँ से आए, देखो रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज कितने ईयर्स का होता है, 32 years का होता है। एंड टोटल हमारे पास में वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 months होते हैं, बट फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी वो कितनी होती है, 13 होती है। तो 32 into 13 करेंगे तो हमारे पास में कितने होंगे, टोटल 416 eggs का प्रोडक्शन होता है फीमेल्स में इन 32 years में, मतलब कि रिप्रोडक्टिव एज में टोटल 416 eggs जो है वो फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अभी एक बार नोट्स की हेल्प से समझा है, एक बार अभी हम टेक्स्ट बुक से भी सभी पॉइंट्स रीड आउट कर लेते हैं ताकि कोई लाइन छूटी तो नहीं है वो चेक भी हो जाएंगे, ठीक है। So, starting with the female reproductive system, the female reproductive system consists of the following parts: a pair of ovaries, which is the primary sex organ in female, a pair of oviduct, uterus, vagina, external genitalia or vulva, a pair of vestibular glands and a pair of mammary glands. 2 to 7 ये जितने भी है ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स में, एंड पेयर ऑफ ओवरीज जो है ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स में। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम दी हुई है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है जो कि आपको लेबल करनी है एज अ होमवर्क। एंड देन उसके बाद में आज हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज़ ओवरीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो ओवरी इट इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरीज का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इट इज़ सॉलिड ओवल और आलमंड शेप ऑर्गन। इट इज़ 3 centimeter इन लेंथ, 1.5 centimeter इन ब्रेथ एंड 1 centimeter थिक। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनी। Each ovary is held in position by ligaments by attaching it to the uterus and the abdominal wall. Ovaries जो है वो uterus के साथ में connected होती है with the help of ovarian ligament and abdominal wall के साथ में connected होती है with the help of meso ovarian. The largest of this is the broad ligament formed by a fold of peritoneum. And जो ovaries है, fallopian tube है या फिर oviduct and uterus जो है ये तीनों ही connected, मतलब कि जो हमारा female reproductive system ही जो है ये body wall के साथ में connected होता है with the help of peritoneum. Peritoneum क्या है, ये एक broad ligament है. It holds the ovary, oviduct and the uterus to the dorsal body wall. The ovarian ligaments attaches ovary to the uterus. The ovary produces 5 hormones which are estrogen, progesterone, relaxin, activin and inhibin. Ovaries जो है ये 5 hormones produce करते हैं, कौन कौन से हैं, estrogen, progesterone, relaxin, activin and inhibin. और ये जो hormones है ये pregnancy को maintain करने में या फिर conceive करने में help करेंगे, lactation में help करते हैं, parturition में help करते हैं, ठीक है। Next we have the structure and development of ovary. So, the ovary is a compact structure differentiated into a central part called medulla and the outer part called cortex. Cortex में development of ovarian follicles होंगे and cortex जो है वो किसका बना हुआ है, reticular connective tissue का बना हुआ है. And जो middle वाला part है, central part inner, वो किसका है, medulla का है.
जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स या फिर लिम्फ वेसल्स जो है वो रन करते हैं। द कॉर्टेक्स इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ लेयर ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम, द स्ट्रोमा और द लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मेडुला हैज ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। द आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रैनुलर, इट शोज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो कहाँ से डेवलप्ड हुए हैं? फ्रॉम द जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। और जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो कहाँ से डेवलप हुए हैं? फ्रॉम द डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक। द आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रैनुलर, इट शोज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। दिस आर कलेक्टिवली फॉर्म फ्रॉम द इमैच्योर ओवा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक। दिस सेल्स माइग्रेट टू द गोनाडल रिज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डिवाइड माइटोटिकली। अब ये जो सेल्स है जिन्होंने ओवेरियन फॉलिकल्स फॉर्म किए हैं वो फिर क्या करेंगे? माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं गोनाडल रीज के थ्रू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, एंड माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। माइटोटिकली ये सेल्स डिवाइड होने के बाद में क्या फॉर्म करेंगे? उगोनिया फॉर्म करेंगे। एज द उगोनिया कंटिन्यू टू ग्रो इन साइज, दे आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड फॉर्म द रुमिनेंट्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस स्टार्ट much before the birth of the female baby, and by the end of 12 weeks the ovary is fully formed. It has more than 2 million primordial follicles in it. मतलब before birth 2 million primordial follicles present होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो TS of ovary दिया हुआ है ये भी मैंने डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले जो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाते हैं। वहाँ पर अगर एक और लेयर आ गई ये फॉलिकुलर सेल्स की तो फिर प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर में अगर एक और लेयर आ जाती है फॉलिकुलर सेल्स की वो किस में डेवलप हो जाएंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होते हैं टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम। टर्शियरी फॉलिकल फिर फर्दर डेवलप हो जाएंगे किसमें? मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। देन उसके बाद में मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल से ये जो ओवम है वो रिलीज आउट हो जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होंगी तो ये जो मैच्योर फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी हार्मोन डेट इज प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज करेगा। एंड अगर ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो अगर नहीं होंगी तो ये जो मैच्योर फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में हो जाता है। आउटर वाला जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, बीच वाला सेंट्रल पार्ट जो है ये मेडुला है। मेडुला में बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स जो है वो रन करते हैं, ठीक है। The cells of germinal epithelium give rise to groups of ugonia projecting into the cortex in the form of cords called as actiopes of Fluker. Each cord at its end has a round mass of ugonial cells called egg nest from which the primordial ovarian follicles developed. Each primordial follicle has at its center a large primary oocyte that is two and surrounded by a single layer of flat follicular cells. The primary oocyte starts with its meiotic division but get arrested it at meiosis 1. Of the 2 million primordial follicles embedded in the fetal ovary, only about 1 million remain at birth. And only about 60,000 to 80,000 remain at the time of puberty. So before birth हमारे पास में अप्रॉक्स 2 million primordial follicles होते हैं। At the time of birth वो reduce हो जाएंगे 1 million तक के, and birth होने के बाद में जब वो puberty stage तक के reach करते हैं तब तक के हमारे पास में 60,000 to 80,000 तक के वो जो primordial follicles है वो reduce हो जाते हैं, ठीक है, remain at the time of puberty. The large scale destruction of the primordial follicle during growth is called as atresia. Atresia क्या है? जब large scale destruction मतलब कि large number में destruction हो रहा है या फिर primordial follicles जो है वो large scale में अगर reduce हो रहे हैं, large number में reduce हो रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा है? Atresia कहा है। The development of the primordial follicle into mature or graafian follicle restarts with the onset of puberty. अब ये जो primordial follicle का है उनका जो development होता है graafian follicle में वो फिर से कब restart होता है? जब girl जो है वो puberty stage पर reach कर जाती है। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग टू फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल। और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल में। इन ईच साइकिल अल्टरनेटली वन ऑफ द टू ओवरीज प्रोड्यूसेस द ग्राफियन फॉलिकल। और हर एक साइकिल में कोई भी एक ओवरी अल्टरनेटली करके एक जो ग्राफियन फॉलिकल है उसे प्रोड्यूस करता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनार्क बिगिंस नॉर्मली एट अबाउट 13 ईयर्स एंड मेनोपॉज दैट इज द स्टॉपिंग ऑफ साइकिल हैपेंस एट 45 टू 55 ईयर्स। मेनार्क दैट इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 ईयर्स की एज पर होता है, जनरली 12 टू 14 ईयर्स। एंड मेनोपॉज दैट इज द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? 45 टू 55 ईयर्स की एज पे। देन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल क्या है? द पीरियड इन बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल, जो कि अप्रॉक्सिमेटली कितने ईयर्स की होती है? 32 ईयर्स की होती है। इन दिस टाइम द फीमेल
इन दिस टाइम द फीमेल विल बी प्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 416 eggs, दैट इज 32 × 13 इज इक्वल टू 416 egg. 32 मतलब कि 32 ईयर्स तक की ये जो रिप्रोडक्टिव एज है वो शुरू होती है. एंड एक साल में जैसे कि 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट 13 जो ग्राफियन फॉलिकल है, 13 जो ओसाइट है वो रिलीज आउट हो जाते हैं हमारी फीमेल बॉडी से. तो इसलिए फिर कितने एग्स प्रोड्यूस होंगे वहाँ पर, और 416 eggs जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बुक की भी हर एक लाइन नोट्स में कवर की हुई है. सो अगर आपको नोट्स की हेल्प से पढ़ना है, देन नोट्स डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, देन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.